नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, इसलिए समय को समझकर आगे बढ़ना ही ठीक होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद अब समय बदल चुका है। जो प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे, हकीकत ये है कि पूर्ण बहुमत तक भी नहीं पहुंच सके और 240 पर ही अटक गए। खैर, लोकसभा का चुनाव खत्म तो हो गया, जैसे तैसे इंडिया की सरकार तो बन गई, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक काम जो बहुत पहले होना चाहिए था, वह अब 10 सालों के बाद आखिरकार हो ही गया, और वो काम विपक्ष का मजबूत होना था। लोकसभा के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार, महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां सबकी नजर है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी ने जो खेला किया है वो सब ने देखा है। इनके अलावा एक और राज्य है हरियाणा, यहाँ भी इसी साल के अंत तक तो विधानसभा चुनाव होना है, और अभी से ही कहा जाने लगा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की हालत क्यों खराब है, हरियाणा के पूर्व सीएम ने किस आधार पर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है, इस बार हरियाणा में बीजेपी किन मुद्दों पर घिरी हुई है, ये तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने के बाद अब तक बहुत कुछ होना अभी बाकी है। इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा के चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी भी है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां अलग होकर चुनाव लड़ सकती है, इस बात की जानकारी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी रण में उतरेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कांग्रेस किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने वाली है और बीजेपी के किन योजनाओं से वहां की जनता परेशान है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, हरियाणा के लोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि राज्य के लोग मौजूदा बीजेपी की सरकार से परेशान हो चुके हैं, लोगों का सरकार से मोह भंग हो चुका है। हम जो भी घोषणा करते हैं अब बीजेपी उसे लागू कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा, सरकार बनने पर कांग्रेस की प्राथमिकता सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म करना होगा, साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का आत्मविश्वास क्यों अब सातवें आसमान पर है और अभी से ही विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा के सीएम ने तो दावा कर दिया है कि अब बीजेपी का समय पूरा हो चुका है, राज्य में कांग्रेस आने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कमेंट करके जरूर बताएं।